हेलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? तो माय डियर स्टूडेंट्स, कल आपका पेपर है इंग्लिश लिटरेचर आईएससी बोर्ड। तो दोस्तों आज 19 फरवरी को ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। माय डियर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का ही। दोस्तों मैं कहूँगा आपको इंग्लिश का #1 चाहिए। ध्यान से फ्रेंड सुनिए, पहले आप देखिए फ्रेंड, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ये वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा होगा इस वीडियो को। कुछ दिन पहले हम कहेंगे फ्रेंड, दो तीन दिन पहले के बाद हमने ये वीडियो अपलोड किया था आईएससी बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड पोएम्स। किसके लिए? 20 फरवरी के लिए। आपने इसे देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा ना माय डियर, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में ना, मैं आपको एक लिंक दिया हूँ माय डियर, जाके पहले इन्हें देखिए इंपॉर्टेंट पोएम्स कौन से हैं और आपके स्टोरीज कौन से हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे #1 में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं पोएम्स का। उसके बाद जस्ट इसके बाद देखेंगे #2 के अंदर में, #2 में हम लोग देखने वाले हैं माय डियर इंपॉर्टेंट स्टोरीज कौन से हैं, मतलब उनके क्वेश्चंस। तो पोएम्स और स्टोरीज तो देख ही चुके हैं, लेकिन आज देखेंगे क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं माय डियर। तो प्लीज़ आप अपने चैनल को दोस्तों देखिए माय डियर फ्रेंड, ये चैनल आप ही का है और आपने देखा भी होगा, आपके चैनल ने आप सभी के लिए बहुत साथ दिया। इंग्लिश लैंग्वेज की बातें करें तो अकेला एक ऐसा चैनल यूट्यूब पर, अकेला ऐसा चैनल जो आप सभी के लिए रोज़ मैं कहूँगा 4 से ज़्यादा 4 to 5 प्रैक्टिस सेट लेके आए इंग्लिश लैंग्वेज में, जो यकीनन जो स्टूडेंट्स ने फॉलो किया उन सभी का बहुत फायदा हो, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर प्रैक्टिस मांगता है और वो कराया आप सभी के लिए आपके चैनल पे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज लिटरेचर के बारे में फ्रेंड आपको बैक टू बैक में वीडियोज मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिल रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन प्रेस करिए, लाइक कर दिए वीडियो को, शेयर करिए, हमें मोटिवेट करिए वीडियो को लाइक करके शेयर करके। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे माय डियर, उससे ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलेगा हमारे वर्क से जो होगा आप सभी के माय डियर। तो फिर सीधे फ्रेंड चलते हैं, ये फ्रेंड ये पहले आप फटाफट इसको देख लीजिएगा, लिंक इसका मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है माय डियर फ्रेंड। और अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पोएम्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपको पढ़ के जाना है कल, यानी 20 फरवरी 2020 के लिए 2 बजे कल आप जब पेपर देखने को मिलेगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होगी क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। अगर 100 में से कहें माय डियर फ्रेंड हम, तो 95% से ज़्यादा उम्मीद हम करते हैं यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप सभी चैप्टर को पढ़िए, सभी क्वेश्चंस को पढ़िए, लेकिन तो इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है माय डियर। चलिए शुरू करते हैं फिर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें करें जो आप देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप सभी उसको नोट डाउन कर लेंगी कॉपी पर, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड देखिए बैक टू बैक वीडियोज लाना है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाया इस चीज़ को प्रिंट करना माय डियर फ्रेंड। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा आप सभी को, तो आप कमेंट करेंगे, उनका आंसर्स भी हम आपको देंगे, ठीक है, क्योंकि चैनल आपका, सब कुछ आपके लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड बात करें माय डियर आईसी बोर्ड स्टूडेंट्स इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट माय डियर स्टूडेंट्स इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट माय डियर। हाँ तो फ्रेंड, हाँ फ्रेंड, तो आप देखिए एक बताओ, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यही पूछेगा, क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन का मतलब कुछ ऐसा ही होने वाला, तो आप लोग सही से उसको प्रिपेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड मैं बोलने वाला हूँ आपको, What does Naidu suggest in the last line of the poem, The Gift of India? This is one of the most important questions from the poem, The Gift of India. तो इसे सही से पढ़ लीजिएगा, फिर से रिपीट करते हैं, What does Naidu suggest in the last line of the poem, The Gift of India? क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट जो यहाँ से मैं आपको बोलने वाला हूँ माय डियर, जिसको आप सही से पढ़ के जाएंगे, वो होगा How is the gift of India both a celebration and a proclamation of her merchants? ठीक है माय डियर, इस क्वेश्चन को भी आप सही से पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ जैसे आपको दिक्कत ना हो माय डियर। How is the gift of India both a ठीक है माय डियर both a celebration and a proclamation of her matches, ठीक है माय डियर। तो आप इस क्वेश्चन क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को फ्रेंड क्या करेंगे, आप सही से इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना माय डियर। यहाँ से क्वेश्चन से यहाँ से आपका क्वेश्चन आज फ्रेंड आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ के जाना है अपने गिफ्ट ऑफ इंडिया पोएम से माय डियर, वो है आपका Discuss the relationship India has with its people, ठीक है आप इसको सही से पढ़ लीजिएगा। चलिए ये तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए गिफ्ट ऑफ इंडिया से। कमिंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको पढ़ के जाना अपने पेपर
के लिए माय डियर, दैट इज हाउ डज द डॉल्फिन डिस्क्राइब द वर्ल्ड ऑफ अ थंडरम। ठीक है माय डियर, इसको आप सही से आप इसको पढ़ के जाइएगा माय डियर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड बात करें जो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए आपके डॉल्फिन से, वो आप पढ़ के जाइएगा। वॉट मैसेज डज द पोएट कन्वे इन द पोएम द डॉल्फिन्स, इसे भी आप सभी सही से पढ़ के जाइएगा माय डियर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू नीड टू रिमेंबर माय डियर एंड विच यू नीड टू लर्न बाय हार्ट, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जॉन ब्राउन विथ हिज मदर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम माय डियर। What is the relation of John Brown with his mother? ठीक है, moving ahead on the next question, my dear friends, जो important है आप सभी के लिए, which you need to learn by heart, that is your question number 7th. The poem John Brown is a bridge between fancy and reality. Discuss it. तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको भी सही से माय डियर आप पढ़ के जाइएगा, फिर से रिपीट कर देते हैं। द पोएम जॉन ब्राउन इज अ ब्रिज बिटवीन फैंसी एंड रियलिटी, डिस्कस इट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको भी सही से आप लोग पढ़ के जाएंगे। मूविंग हेड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन माई डियर फ्रेंड्स विच यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8th फ्रॉम दिस। हाउ डज The poem We Are the Music Maker assesses the famous idea of art, मैं लिख देता हूँ उस क्वेश्चन को, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। ठीक है मैडम, मैं लिख देता हूँ सबको दिक्कत ना उस क्वेश्चन में। How does the poem We Are the music makers as is the famous idea, ठीक है फिर इसको नोट कर लिया आपने, idea of आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। सो दिस आर द 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माय डियर, जिन्हें आप सही से पढ़ के जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे माय डियर फ्रेंड कि आप बस इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, आप सभी क्वेश्चंस को सही से पढ़ के जाइएगा, लेकिन चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेगा माय डियर, तो आप इसको सही से पढ़ के जाइएगा, डोंट मिस इट आउट फ्रेंड, ठीक है ना। चलिए तो इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिया, 8 क्वेश्चन आप सबको पढ़ दिया, लेकिन इन 8 क्वेश्चन को सही से फोकस कर लिएगा। माय डियर फ्रेंड #2 में हम लोग देखने वाले हैं आज, क्योंकि पेपर कल आपका, तो आज ही देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरीज जो आपको सही से पढ़ के जानी होगी माय डियर, तो डोंट मिस इट आउट, उसको भी मत कीजिएगा। #2 का मैं आपको एक क्वेश्चन अभी बता देता हूँ, बचे हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे सेकेंड पार्ट में माय डियर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। माइडिया देखिए चैनल आप ही का है और ये सब वर्क आपके लिए किया जा रहा है, जैसे आप अच्छा मार्क्स सिक्योर करें तो माय डियर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए माय डियर, वीडियो को शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को पहुँचाइए। अगर आप नॉन साइंस स्टूडेंट हैं, यानी अगर आप माय डियर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डोंट मिस आउट, उसको मिस ना करिए, ठीक है, वीडियोज़ आ रही है आप लोग के लिए। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों ने देखा कितना बेहतर तरीके आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करवाएगी आपके चैनल पर, और सबसे पहले आपका सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर मिला। वैसे ही आपका अगला पेपर जो है कॉमर्स का है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, सो उसको भी देखना ना भूलिएगा माय डियर। तो #2 का एक क्वेश्चन आप बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट आप सभी को पढ़ के जाना है माय डियर, आपके पेपर के लिए जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं फ्रेंड यहाँ पे, वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ द फ्लाई इन द स्पाइडर एंड द फ्लाई। आपका चैप्टर था द स्पाइडर एंड द फ्लाई, तो उसमें आपको बताना है कैरेक्टर स्केच ऑफ द फ्लाई इन, फिर आपके कॉमर्स में
द स्पाइडर एंड द फ्लाई। तो ये एक खास वन क्वेश्चन मैंने आपको अभी दे दिया है, आप इसको प्रिपेयर करिए और बच्चे को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे ना हम डिस्कस करेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा माय डियर फ्रेंड तो आप जाइए कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशंस भी हम आपको देंगे, पॉसिबिलिटी होगा तो एक सेपरेट वीडियो बना के देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब बहुत अच्छा मार्क्स पाएँ, आप 100 में 100 सिक्योर करके जाएँ। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही फ्रेंड आज शाम को हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देखेंगे आप सभी के साथ, तो टिप्स भी देखना ना भूलिएगा लिटरेचर में जो आपको फॉलो करना है। और आपने फ्रेंड अगर आपने लैंग्वेज का सोल्यूशन नहीं मिलाया अभी तक तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसका लैंग्वेज सोल्यूशन मिलाइए, ठीक है माइडिया। अकाउंट की इकॉनमी देखिए सबसे पहले आपको अगर चैनल पर सोल्यूशन मिला आप जाकर खुद चेक करिए माइडिया फ्रेंड यूट्यूब पर, सबसे पहले आपको सोल्यूशन मिला तो आपका चैनल अभी अपडेट पर मिला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा और अगर कुछ भी अगर फ्रेंड आपको चाहते हो पूछना हो तो कमेंट बस फ्रेंड कर दीजिएगा, उसका आपको वहाँ पे मैं रिप्लाई करूँगा, पॉसिबिलिटी होती है वीडियो बना के देंगे, ठीक है माय डियर। तो फिर फ्रेंड इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, #1 देखिए, इंपॉर्टेंट पोएम्स का और स्टोरीज देखना ना भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, #2 में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टोरीज, डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट ऑल्सो, एंड आपका ड्रामा के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा तो देखना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय, सी यू माय डियर।